नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन गंगा के बारे में, जिसका संबंध रशिया यूक्रेन क्राइसिस से है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो तुरंत जाकर देखें। दोस्तों, यूक्रेन में जैसे जैसे रशिया और अंदर बढ़ रहा है, हालात दिन पे दिन बिगड़ रहे हैं। स्विफ्ट के सैंक्शंस के बाद रशिया ने अपने सभी न्यूक्लियर कमांड्स को हाई अलर्ट पर कर दिया है। वहीं रशिया के सहयोगी देश बेलारूस ने एक बिल पास करके अपने देश में रशियन न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात करने की मंजूरी दे दी है। अगर स्विफ्ट सैंक्शंस के बारे में आप नहीं जानते तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसी बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सभी नाटो देशों की नींद टूटी है और किसी ना किसी तरीके से यूक्रेन की मदद करने की कसम खाई है। दोस्तों, यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में यूक्रेन ने रशिया को अच्छी खासी टक्कर दी है, लेकिन यूक्रेन की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यूएस के अनुसार रशिया ने अभी तक अपनी यूक्रेन के आसपास मौजूद फौज का आधा हिस्सा ही यूक्रेन की तरफ भेजा है और इसमें अभी और भी लोग जुड़ेंगे, जिसे वेव टू कहा जा रहा है। इसीलिए अब नाटो देश और अन्य देश यूक्रेन की मदद को कूद पड़े हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, इस युद्ध के बीच में मासूम लोग फंस जाते हैं, जिनमें मूल निवासियों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी होते हैं। अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए सभी देश कोशिश कर रहे हैं और भारत देश के नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है ऑपरेशन गंगा, जिसमें टाटा ग्रुप और भारत सरकार की एयर इंडिया बहुत अहम रोल निभा रही है और इसी मुहिम में प्राइवेट कंपनी स्पाइसजेट का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन युद्ध के बीच में हमारे नागरिकों को कैसे बचाया जा रहा है? यहाँ पे यूक्रेन में भारत की एम्बेसी और यूक्रेनियन मदद से ट्रेन और स्पेशल बसेस के द्वारा नागरिकों को यूक्रेनियन बॉर्डर तक पहुँचाया जा रहा है। ये वो यूक्रेनियन बॉर्डर हैं जो मिलती हैं पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमेनिया से। आप चाहें तो इस मैप को पॉज करके इन सभी देशों की पोजीशंस को देख सकते हैं। इन मित्र मुल्कों को भारत सरकार द्वारा आग्रह किया गया है कि आप हमारे नागरिकों को आसानी से अपने देश में आने दें और जरूरी फैसिलिटीज दें और अपनी कैपिटल तक पहुंचने का इंतज़ाम करा दें और वहां से एयर इंडिया की फ़्लाइट के थ्रू उन्हें वापस अपने देश में लाया जा रहा है। दोस्तों, आप ये मत भूलिएगा कि इस समय यूक्रेन से जुड़े सभी बॉर्डर एरियाज में बहुत तनाव की स्थिति है। दोस्तों, इसी बीच ये खबर आई है कि पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर के बीच में कई भारतीय छात्रों को वापस लौटा दिया गया, ये बोलकर कि आपका देश जब हमारा साथ नहीं देता तो हम आपकी मदद क्यों करें। और यहीं पर यूक्रेनियन जवानों द्वारा कुछ हिंदुस्तानी और अफ्रीकन लड़कियों को रॉड से भी पीटा गया और नस्ल भेदी टिप्पणियां भी की गई हैं। इन सभी घटनाओं के पीछे कारण बताया जा रहा है यूएन में लाए गए रशिया के खिलाफ सभी कठोर प्रावधानों में वोटिंग के समय भारत द्वारा एब्स्टेन करना, मतलब उसमें वोट ना डालना और रशिया की कड़े शब्दों में निंदा ना करना। इसके रिस्पांस में भारत ने यूएन को वोट से एब्स्टेन करने के कारणों में से एक वजह यह बताई कि यूक्रेन में हमारे नागरिकों को निकालने में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। इन सब बातों को देखते हुए एक हाई लेवल मीटिंग के बाद भारत सरकार ने अपने चार मंत्रियों के एक डेलीगेशन को इन चार मित्र मुल्कों में रवाना कर दिया है, जिनके नाम मैंने आपको पहले बताए। इस हाई लेवल डेलीगेशन में हैं हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह। इस हाई लेवल डेलीगेशन को इसीलिए भेजा गया है ताकि फंसे हुए भारतीय लोगों को असुविधा का कम से कम सामना करना पड़े। अभी अभी खबर आ रही है दोस्तों कि मोल्डोवा के जरिए भी भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने का एक रास्ता खोल दिया है। दोस्तों, एक अच्छी खबर यह भी आ रही है कि रशिया और यूक्रेन की तरफ से हाई लेवल डेलीगेशन की बेलारूस में मीटिंग आयोजित हुई है और हम यही कामना करते हैं कि इसका परिणाम पॉजिटिव हो, क्योंकि किसी भी विवाद का हल बातचीत से निकलता है, युद्ध से नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।